माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनकी पसंद के लड़के या लड़की से शादी करें या उनके बच्चों का कोई लव अफेयर ना हो, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। किस्सा है पर सच्चा है। हुआ यूं कि एक लड़के को 16-17 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हो गया और हर इंडियन फैमिली में सुनामी और भूकंप दोनों साथ आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे का किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है। घर का हर एक मेंबर यही कहता है, वो लड़की तेरे लायक नहीं है, और भले ही वो लड़का खुद कितना ही नालायक क्यों ना हो। उस लड़के के साथ भी यही हुआ और उसके घर वालों ने उसके घर की कब्र खोदनी चालू कर दी। उस लड़की का फुल विरोध करना शुरू कर दिया। हर वक्त बस उसके फोन पर या उस पर ही नजरें लगी हुई रहती। बेचारे को रॉन्ग नंबर से भी कॉल आ जाता तो ऐसे बोलते जैसे इसमें भी उसी की गलती हो। पर एक बात उसके साथ बहुत अच्छी थी, उसके पापा बड़े समझदार और सुलझे हुए विचारों के थे। उन्होंने परिस्थिति को भांप कर अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि मैं तेरी शादी वहीं करूंगा जहां तेरी मर्जी हो। लड़की चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति की क्यों ना हो, वो तेरे पसंद की ही होगी। और अभी तेरी उम्र करियर बनाने की है, तू बस अभी इन्हीं पर फोकस कर, बाकी सबकी चिंता मत कर, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दे। लड़का बहुत खुश हुआ और बाकी के घर वाले परेशान। अब ट्विस्ट यही आता है, इस बात के एक साल बाद ही उस लड़के के लव का दी एंड हो गया और खुश होने की बारी उसके घर वालों की थी। जब उन्हें उस बात का पता लगा तो मानो होली दिवाली साथ आ गई हो। लड़का देवदास तो नहीं पर पंकज उदास जरूर बन गया। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, आपको पता था शायद कि मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, इसलिए आपने मेरी पसंद पर अपनी मोहर लगाई और शादी की बात पर कोई आनाकानी नहीं की। उसके पापा मुस्कुराए और कहा, ये सब तो मुझे नहीं पता, मगर इतना ज़रूर पता है कि जब परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती और इन्हें हम अपने काबू में करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये उतनी ही बिगड़ती चली जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारे एक नए रिश्ते की वजह से तुम्हें कोई गलत कदम उठाते हुए नहीं देख सकता और ना ही तुम्हें हम सबसे दूर जाते हुए। मैं तो तुम्हें बस इस परिवार का हंसता खेलता हुआ हिस्सा बनाए रखना चाहता हूँ, और मैंने हाँ इसलिए भरी ताकि तुम अपने दिल और दिमाग से खुश होकर नॉर्मल होकर अपने रिलेशनशिप को परख सको। अगर बाकी सबके साथ मैं भी खड़ा हो जाता तो तुम जब कभी उस लड़की के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते तो तुम्हें हमेशा घर वालों की बातें और गुस्सा ही याद आता। फिर मेरे भरोसा दिलाने पर जब तुमने सारी फिजूल की बातें और चिंता छोड़कर अपने रिलेशन को आगे के लिए सहेजने और परिपक्व बनाने की कोशिश की तो तुम दोनों में ही ब्रेकअप हो गया। इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हें भी लगा ही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। उन्होंने आगे कहा, वैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी खुशी और इच्छा के विपरीत कभी नहीं जाना चाहूँगा। अगर तुम्हारे करियर सेट होने तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती निभा सकते तो मुझे भी खुशी होती, क्योंकि तुमने अपने लिए बिल्कुल सही जीवन साथी का चुनाव किया होता, जो इतने बरस तक तुम्हारे प्यार को समझती, तुम्हारा इंतजार करती और इतने सालों में प्यार की डोर भी और मजबूत हो जाती। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, शायद इससे तुम मुझे समझ पाओ कि हर माता पिता के पास मुस्कुराहट और खुशी की पहली वजह उनके अपने बच्चे ही होते हैं। लड़का एक तक अपने पापा को देखे जा रहा था। आज उसे बहुत गर्व हो रहा था, इसलिए नहीं कि उसे इतने अच्छे पापा मिले, बल्कि इसलिए कि वो इतने अच्छे पापा का बेटा है। बस इतना सा था ये किस्सा, पर ज़रा एक बात सोचिए, यदि उसके पापा भी उसके खिलाफ हो जाते तो क्या फिर वो घर उसके लिए घर रहता? नहीं, वो मेंटली टॉर्चर हो जाता, उसे वहाँ सुकून नहीं मिलता। फिर वह भी कायर प्रेमियों वाले कदम उठाता, या तो उस लड़की के साथ घर छोड़कर कहीं भाग जाता या फिर खुद का जीवन ही खत्म कर देता, और दोनों ही सही नहीं है। सिर्फ एक नए रिश्ते की वजह से बाकी के सारे रिश्ते टूट जाते हैं, हम खुद तोड़ देते हैं, और ज़्यादातर सब ऐसा ही नेगेटिव व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ। जब हमारे बच्चे हमारी सोच के विपरीत हो जाते हैं तो हम उन्हें अपने जैसा बनाने में लग जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमने इस उम्र में ऐसे किया तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही करें, कोई अलग रंग ना बनाए, पर ये नहीं सोचते कि जब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां ही एक जैसी नहीं हैं, एक ही माता पिता के दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो फिर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की कॉपी कैसे हो सकती है। हम किसी मशीन को अपने मुताबिक बना सकते हैं, उसे अपने हिसाब से अपने काम के अनुसार ढाल सकते हैं, पर किसी इंसान को नहीं। और ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि कहीं
हमारे बच्चों के इस फैसले से इनका नुकसान न हो जाए, हम कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, जिसे हमारे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है, तो उनको अपने फैसले लेने दो। इस बात से सिर्फ दो ही बातें होंगी, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा। सही होगा तो अच्छा है, और गलत होगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि गलती होने पर ही इंसान को सही और गलत का पता चलता है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बच्चे सिर्फ एक ही उम्मीद लगाते हैं कि वक्त और हालात कैसे भी हो, कोई है जो उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो है उनके पेरेंट्स। आखिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, सिर्फ एक नए रिश्ते की वजह से अपने बच्चों के साथ अपना आज और फ्यूचर का रिश्ता खराब मत कीजिए। कुछ बातें वक्त पर छोड़ दीजिए, वही हम सब की दिशा और दशा तय करेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आ सकें।